मैकेनिक्स में हम लोगों ने क्या कहा था, मैकेनिक्स कल हम लोग स्टार्ट किए थे ना, मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत हमने आपको बताया था कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, तो मैकेनिक्स में आप एक्चुअली क्या करते हैं जी, फोर्स के बारे में नॉलेज लेते हैं, यानी नॉलेज ऑफ द मोशन। ठीक है, ठीक है, नॉलेज ऑफ मोशन से क्या कहलाता है आपका, मैकेनिक्स होता है। हमने इसको तीन पार्ट में इसको हमने बताया था कि क्लासिफाई करके, डिवाइड करके, काइनेमेटिक्स बताया था, इसके बाद आपको काइनेटिक्स बताया था, और एक और बताया था आपको स्टैटिक बताया था। ये तीन पॉइंट मैं आपको बताया था। काइनेमेटिक्स में हमने क्या कहा था, काइनेमेटिक्स में हमने बताया था कि जो हो इसमें केवल हम मोशन को कंसीडर करेंगे, मोशन का कॉज क्या है इसके बारे में हम लोग इसके अंदर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते थे कि द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड डायरेक्शन का जो हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, काइनामेटिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और बताया था काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हमने क्या बताया था आपसे, तो काइनेटिक्स में हमने कहा था कि अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कॉज क्या है जिसके वजह से उसमें मोशन आया था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक, इसके बाद थर्ड में आपको बात, थर्ड हम लोगों ने देखा था, थर्ड में हम लोगों ने स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था। तो स्टैटिक्स में हमने क्या कहा था कि उसमें वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, आपका स्पीड जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, यानी इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन होता है वही क्या होता है, क्या होता है जी, आपका स्टैटिक्स होता है। ठीक है, यानी इट इज इट्स मोशन, इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, और आज हम लोग फिर से देख लेंगे थोड़ा सा पोजीशन के बारे में। मैंने थोड़ा बहुत कल चर्चा करने का प्रयास किया था पोजीशन, पोजीशन में हमने क्या देखा था, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा सबका, नहीं हुआ तो फिर से एक बार हम लोग करते हैं कि जो पोजीशन है वो पोजीशन हम कैसे बताएंगे। देखो एक चीज आप लोग जान जाओ, क्लियर कट कॉन्सेप्ट, अगर आपके फिजिक्स के जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, अगर आपके क्लियर है तो आप फिजिक्स के समझ रहे हैं। दूसरा चीज, जब ये टर्मिनोलॉजी और ये आपके वर्ड क्लियर रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और फिजिक्स का जान ही होता है आपका न्यूमेरिकल। अगर आपने न्यूमेरिकल बनाना सीख लिया, न्यूमेरिकल को बना लेते हैं, तो समझ जाए कि आप फिजिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अदरवाइज वो सारी चीजें गलत आपके लिए व्यर्थ ही होगी। खूब करेंगे तो इधर उधर से आप क्या कर सकते हैं कि आप सोल्यूशन खोज के सोल्यूशन निकाल लेंगे, उसको सोल्यूशन करना, सोल्यूशन फाइंड आउट करना इसको नहीं बोलते, इसको चीटिंग बोलेंगे। तो अगर ये सारे टर्म क्लियर होंगे तभी जाके न्यूमेरिकल आप अपने तरीके से बना सकते हैं, अदरवाइज आप चीटिंग करेंगे, इधर से उधर से आप खोजबीन करेंगे और बनाएंगे, और वो स्टडी एकदम काम नहीं आने वाली है। रट्टाफिकेशन वाले दुनिया में तो काम चल जाएगा, बाकी अदर में काम नहीं होगा। तो इसलिए हम प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपके जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसको बेहतरीन तरीके से क्या कर दे, समझा दे। दूसरी बात, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो उसी समय आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो ध्यान दो, फिर मैंने कहा था पोजिशन, पोजिशन क्या होता है, तो पोजिशन जो होता है किसी, पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इज, पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इज, पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इज कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय, इज कंप्लीटली, कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय, कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय, दो तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला, आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, पहला आप क्या बताएंगे, इट्स डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। सेकेंड क्या बताएंगे, इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कोई दिक्कत सर, आप इसको एक एग्जांपल बता दिए, एकदम बता देंगे। जैसे मान लो कोई यहां पर बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को तीन पर्सन वॉच कर रहे हैं, थ्री पर्सन क्या कर रहे हैं, इसको वॉच कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपना क्या दे रहे हैं, व्यू दे रहे हैं
कि ये जो भी बिल्डिंग है कितने डिस्टेंस पर है और उसका डायरेक्शन क्या है। अगर ये दोनों चीजें आपको मिल रहा है तो हम बताएंगे कि उस ऑब्जेक्ट का क्या है, पोजिशन है। आप बोर्ड पर जब पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्शन क्या करना होता है, जो ऊपर होता है उसको नॉर्थ बताते हैं और नीचे जो होता है उसको साउथ बोलेंगे। इधर आपका ईस्ट होता है और इधर आपका क्या होता है, वेस्ट होता है। ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब देखो, सपोज करो कि ये जो पर्सन ए है वो 3 किलोमीटर पर है, ठीक है। ये ओ है, मान लो ये वहां से सेंटर से ओ से हम लोग देख रहे हैं। ये जो है मान लो ये बी पर्सन है और ये 5 किलोमीटर पर है, 4 किलोमीटर पर है, 4 किलोमीटर पर है। और ये जो सी पर्सन है ये 5 किलोमीटर पर है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर। अब तीनों जो है ये अपने अपने ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। अगर मान लो ए का ऑब्जर्वेशन हमको लिखना होगा, ए ऑब्जर्वेशन, तो आप क्या बताएंगे, आप दोनों बताएंगे, एक चीज आप नहीं बताएंगे। जब भी बताएंगे तो आप डिस्टेंस और क्या बताएंगे, आप डायरेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताएंगे। एक ऑब्जर्वर क्या होगा, ऑब्जर्विंग, ये जो ए है ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है किसको, ओ को। तो वो क्या बताना चाह रहा है आपको, ए यही बता रहा है कि जो बिल्डिंग मेरे से किसे हमसे ये क्या है 3 किलोमीटर अवे है, किधर, नॉर्थ में, फ्रॉम मी। अगर यहां पर चेंज हो जाएगा बिल्डिंग से, अगर आप देखना चाहेंगे बिल्डिंग से ये पर्सन कहां पर है, तो आप बताएंगे 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम नॉर्थ, सॉरी साउथ, ठीक है। यहां से अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे कोई पर्सन, मान लो यहां पर कोई एक और पर्सन आ गया, मान लो, और ये यहां से देखना स्टार्ट कर रहा है, तो ये क्या बताएंगे कि ये जो पर्सन है ना इससे 3 किलोमीटर अवे है, नहीं बोल सकता है। तो आप इसको बता सकते हैं 3 किलोमीटर अवे इन विच डायरेक्शन, साउथ। हाँ, ओके, रिस्पेक्ट में बताएंगे, ये बात समझे। यहां से बताएंगे आप कि ये जो बिल्डिंग है, ये पर्सन इस बिल्डिंग से 3 किलोमीटर दूर पर है और किधर के डायरेक्शन में, तो साउथ में। उसी तरह से यहां से अगर हम देखना स्टार्ट करेंगे यहीं से, तो हम क्या बताएंगे कि मान लो ये बी है, ठीक है, ये क्या है, बी है, और हम बी को बताना चाह रहे हैं। तो बी को अगर बताना चाह रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे, तो हाँ, इसका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन आप बताएंगे 4 किलोमीटर अवे इन ईस्ट, यहां से, ठीक है। और फिर उसी तरह से आप सी वाला देखेंगे ऑब्जर्वेशन, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 5 किलोमीटर अवे इन नॉर्थ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकता है, यानी ओ से ये कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर है, आप बताएंगे 5 किलोमीटर। ओ से ये बी कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर है, 3 किलोमीटर, विच डायरेक्शन, ईस्ट। और फिर आप बताएंगे कि ओ से ये जो पर्सन है ये 3 किलोमीटर है अवे। अब देखो, ऑब्जर्वेशन चेंज कर देंगे, अगर पर्सन के पास रखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि बिल्डिंग जो है इससे कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर, 3 किलोमीटर अवे, किधर, नॉर्थ। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां भी अगर हमने ऑब्जर्वेशन ओ न रख के हम अगर ए रख लें तो वो आपके डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे, बट उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको पोजीशन बताना होगा तो आप पोजीशन में आप दोनों बताएंगे, यानी इसके पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको इसके डिस्टेंस भी बताना होगा और एज वेल एज इसका क्या बताना होगा, आपको डायरेक्शन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक है रेस्ट। अच्छा, एक चीज और जानो थोड़ा सा, कि अगर हमको इसको पोजीशन से बताना होता है तो हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। पोजीशन वेक्टर से हम इसका क्या कर सकता है, पोजीशन को बता सकते हैं आदमी, किसी पोजीशन को, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हम रखा है, ये मार्कर है, सपोज करो ये मार्कर है, अब हमको इसका पोजीशन बताना होगा, तो इस मार्कर का हम पोजीशन कैसे बताएंगे,
इस कंबार्कर को पोजीशन बताने के लिए हमारे पास क्या है, 3 क्वाड्रेंट है कि नहीं, क्वाड्रेंट 3 है ना जी। हम बताएंगे कि फ्रॉम वॉल से मान लो एक मीटर है, हो गया ना, तो ये वाला, ये नीचे वाला को हमने एक्स माना है, ठीक है, ये जो है वर्टिकल वाई है और वहां से क्या है जेड है, ठीक है, उस कॉर्नर को हम क्या रखें मान रहे हैं, तो उस कॉर्नर से हमको क्या करना है बताना पड़ेगा ना कि एक्स डिस्टेंस पर कितना है, वाई डिस्टेंस पर कितना है और नीचे से ये जेड डिस्टेंस पर कितना है। तो ये तीनों आपको बताना होगा इस पॉइंट को क्या करने के लिए, आपको इस पॉइंट के पोजिशन को बताने के लिए, ये बात समझे ना। तो इस पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट बताना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स से कितना डिस्टेंस पर है, वाई कोऑर्डिनेट वाई डिस्टेंस पर कितना है और जेड कोऑर्डिनेट यानी जेड से वो कितना है, तब जाके आप क्या कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के क्या कर सकते हैं पोजीशन को बता सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर एक्चुअली क्या है, आपके पोजीशन को बताता है कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। आप बताएंगे जैसे मान लो ये क्या हुआ आपका, ये वाई है, वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है जी जेड एक्सिस है। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, यहां पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस भी देखना है, वाई एक्सिस भी देखना है और जेड एक्सिस। ऐसा ना करना कि सर जी प्लेन, ये वाई और एक्स देख रहे हैं ये तो प्लेन हो जाएगा, ऐसा नहीं देखना, ठीक है, हम 3D में देखना चाह रहे हैं, इसका तीनों कोऑर्डिनेट बताना चाह रहे हैं। तो आप बताएंगे क्या कि सर ये मान लो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी देखना है हमको कितने पॉइंट पर है, कितने डिस्टेंस पर है, फिर आपको वाई डिस्टेंस भी बताना होता है और फिर क्या बताना होता है आपको जेड, और यही सीक्वेंस होता है। पहले हम आप एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस को लिखते हैं और फिर बाद में आप किसको लिखते हैं जेड एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए, अभी हम बताए किसी भी पॉइंट के पोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको दो चीज बताना होगा, एक तो बताना होगा क्या इसका डिस्टेंस कितना है और दूसरा आपको क्या बताना होता है डायरेक्शन। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं r वेक्टर और r वेक्टर और ये हो जाएगा, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्या पोजीशन, क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं पोजीशन को बता सकते हैं। बोलो इतनी बात आपको समझ में आएगी। और इस r को एक्सप्रेस कैसे करना होता है तो आप बताएंगे, r को एक्सप्रेस है x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप। ये क्या होता है कैप, ये सब हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर में, इसको हम बताएंगे डिटेल में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो इतनी बात बताओ किसको कोई, किसी को कोई दिक्कत है क्या, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रहा होगा तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, कोई कन्फ्यूजन तो बोलो, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है क्या, रेस्ट। रेस्ट में मैं बताया भी था, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा दो टर्म और रह गया है, एक आपका रह गया रेस्ट और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका मोशन, ठीक है, रेस्ट और दूसरा क्या होता है मोशन। इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें आप बताएंगे रेस्ट किसको बोलते हैं। तो अगर कोई इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, मान लो सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और यहां भी मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ए रखा है, P पॉइंट पर ये अभी है और यही ऑब्जेक्ट क्या कर गया, अब जो है आ गया कहां पर, सेम ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, अब Q पॉइंट पर ये आ गया, यहां से ये Q पॉइंट पर आ गया। ध्यान से सुनिएगा, जब भी रेस्ट और मोशन को बताना होता है तो सबसे पहले उसको अपने सराउंडिंग में कंसीडर करके हम लोग बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो किस पर बताया जाता है, तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप बताएंगे। जैसे मान लो कोई कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ द टाइम, मींस इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, मैं सपोज करो मैं यहां पर हूं, अभी मैं यहां पर हूं ना, मैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, स्टैंड एकदम चुपचाप स्टैचू की तरह यहां खड़ा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं क्या हूं रेस्ट में। और फिर मैं जब चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब हम बात करें तो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया ये क्या कहलाएगा आपका मोशन कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई नहीं, यानी रेस्ट क्या है, रेस्ट और मोशन में बस केवल एक ही है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर चेंज कर रहा है, इफ द बॉडी विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग तो हम उसको क्या बोलेंगे मोशन, अगर नहीं चेंज कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे वो रेस्ट में, टाइम कितनों भी चेंज हो जाए उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है,
मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 24 घंटा खड़ा रहा, तो मैं क्या हूँ? रेस्ट में हूँ। और मैं अभी तुरंत क्या कर दिया, आगे की तरफ मूव कर गया, तो ये क्या हो गया? मोशन। क्योंकि मैंने अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो मैं क्या हो गया? मोशंस में। कभी कभी आप ट्रेन में जाते हैं, दो आप ऑब्जर्वर देखेंगे, एक ट्रेन के बाहर आप देखेंगे और एक ट्रेन के अंदर देखेंगे। तो ट्रेन के अंदर में जो आप देखेंगे, तो ट्रेन के अंदर में बैठा हुआ सीट पर बैठा है, सीट पर बैठा हुआ पर्सन किसी को देख रहा है ट्रेन के अंदर, विद इन द ट्रेन। तो वो पर्सन क्या है, वो भी बैठा हुआ, तो क्या होगा? रेस्ट में होगा। अभी वो ट्रेन के बोगी के अंदर वो चल नहीं रहा है, बस बैठा हुआ है, दोनों लोग बैठे हुए हैं, और वो क्या है? बैठे हुए हैं, तो अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ट्रेन क्या है? उनके लिए रेस्ट में है। ये बात समझे कि नहीं? और यही कोई प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ पर्सन है, वो वॉच कर रहा है उस ट्रेन को, तो उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में ट्रेन क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो वो पर्सन बोलेगा कि नहीं, ट्रेन क्या है? मोशन में है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक मोशन, दूसरा रेस्ट। यानी रेस्ट उसको बोलेंगे जो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा अपने आप को, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन में कोई किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि रेस्ट में है। और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसका अगर चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे किसमें है? मोशन में। अब आप इस मोशन को है दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द पाथ, जो पाथ फॉलो कर रहा है उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करेंगे, तो आप कोऑर्डिनेट के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, उसके मोशन को डिफाइंड कर सकते हैं। यानी कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, आपके चेंज हो रहा है, उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, मोशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, पहला हम लोग जो मोशंस पढ़ेंगे वो किस पर, नेचर ऑफ द पाथ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर दें, कोई दिक्कत, इसको इधर वाले पोर्शन को इरेज कर देते हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसका जरूरत पड़ेगा इसको भी निकाल दो। ठीक है, ध्यान दो, पहला हम लोग का क्या देखेंगे, लीनियर मोशन, या आप कह सकते हैं उसको रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर, लीनियर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन वाला हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, पाथ के बेसिस पर हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, किसको, आपके मोशन को, वाला हम लिखेंगे लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशंस। सेकेंड आप देखेंगे सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी मोशन, और थर्ड आप देखेंगे ऑक्सीलेटरी, मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन। अरे क्या हो गया जी, ऑक्सीलेटरी मोशन, ये तीन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, यहां पर आप ध्यान देंगे लीनियर मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होता है। देखो लीनियर मोशन कहता है कि अगर द मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। यानी कोई मोशन अगर क्या कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन यहां पर दो वर्ड हम यूज किए हैं, लीनियर और दूसरा ट्रांसलेटरी, ये दोनों में अंतर है। वही बोले ना कि मैं आपको बताया कि आपको सारे पॉइंट को क्लियर रखना होगा। अगर लीनियर की जो बात कर रहा है, लीनियर मोशन की जो बात कर रहा है, तो लीनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट के फॉर्म में मूव करेगा, याद रखिए। कोई पॉइंट है, वो मूवमेंट कर रहा है एकदम लीनियरली, स्पीड भी होगा, स्पीड भी होगा, एज वेल एज उसके अंदर क्या होगा, डायरेक्शन भी, एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, लिनियर सीधा चलेगा ना। तो ये जो मोशन होता है लिनियर में, इसके आप पॉइंट मूव कर रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ट्रांसलेटरी आएगा, इसके अंदर बॉडी मूव करता है, कौन मूव करता है, बॉडी। अब सर बॉडी मतलब क्या हुआ, बॉडी मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल उसके साथ मूव कर रहे हैं। जैसे मान लो
गाड़ी मूव कर रही है और एक पर्सन मूव कर रहा है, एक एटम मूव कर रहा है और एक पर्सन मूव कर रहा है। तो पर्सन के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम बहुत ज्यादा होंगे, जबकि एटम के पास एक एटम है। तो वहां जो यूज करेंगे जब पॉइंट के फॉर्म में तो वो लीनियर, जब बॉडी के मूवमेंट करेंगे तो हम कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखो पॉइंट वाला आएगा तो मैं बताऊंगा कि पॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक है। हम किसको, कभी कभी आप क्वेश्चन में देखेंगे कि कंसीडर करना पड़ता है, जैसे रेलवे है, रेलवे ट्रैक है, मान लो कि ट्रेन कहां से जा रही है, मान लो राजगीर से जा रही है कहां पर, दिल्ली। तो राजगीर टू दिल्ली जब जाएगी ट्रेन तो वही ट्रेन जो है एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना। जब लंबा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो उस केस में ट्रेन एक पॉइंट बन जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट किसको बोलेंगे सुनिए। लेकिन अभी आप ये, आप लीनियर का मतलब समझिएगा कि वो पॉइंट मूव करेगा, ट्रांसलेटरी का मतलब क्या होगा कि पूरा बॉडी मूव करेगा, ये बात आपको समझोगे नहीं। सेकेंड आप मोशन पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, ठीक है। आप दो एक और है कि इसको सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, रोटेशनल मोशन भी आप बोलते हैं इसको। अब इन दोनों में क्या अंतर है, सेम थिंग यहां भी, सर्कुलेटरी में कौन मूव करेगा तो आप बताएंगे कि सर्कल में ही मूव करेगा, ये किसी सर्कल के ही अंदर मूव करेगा, इसका जो रेडियस है वो क्या होगा, सब जगह एक ही होगा। ये ना होता है कि दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट, एक पॉइंट रेस्ट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो मोशन हुआ ये क्या है, आपका सर्कुलर मोशन है। और सर्कुलेटरी मोशन के अंदर हम किसको पढ़ते हैं, तो जब पॉइंट मूव कर रहा हो, कौन, जब पॉइंट मूव करता है उसमें वो जो मोशन होता है वो सर्कुलेटरी। बॉडी, बॉडी जब मूव करे तो हम पढ़ेंगे क्या, रोटेशनल। और ये तो चैप्टर ही पढ़ना है, ये चैप्टर ही पढ़ना है। तो ये रोटेशनल मोमेंट, रोटेशनल मोमेंट कब होता है, जब पूरा बॉडी मूव करता है, उसको हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी, पढ़ेंगे एकदम पढ़ेंगे इसको। तो जब पूरा बॉडी, होल बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे तो हम लोग क्या कहेंगे, तो वो जो मोमेंट मोशन होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे सर वो रोटेशनल मोशन होता है। कौन सा, रोटेशनल मोशन होता है। इसके बाद आते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी थर्ड टाइप का। ऑक्सीलेटरी मोशन का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीलेटरी मोशन का मतलब होता है कि टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, ठीक है। मान लो ए और बी से कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आगे भी जा रहा है, यानी टू एंड फ्रो, आगे पीछे, आगे पीछे जो आप मूवमेंट देखते हैं, जैसे मैं आगे भी गया पीछे भी गया, पेंडुलम, पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। तो ये जो मोशन आप देखेंगे ये कौन सा मोशन है, तो ऑक्सीलेटरी मोशन है। तो ये तीन आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने तीन क्लासिफाई किया मोशन को। फर्स्ट है लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर में पॉइंट मूव करेगा, और ट्रांसलेटरी के अंदर ऑब्जेक्ट का मोशन हम लोग स्टडी करते हैं। सर्कुलेटरी या रोटेशनल मोशन, सर्कुलेटरी में अगेन हम लोग पॉइंट को क्या करते हैं, पॉइंट के मोशंस को कंसीडर करते हैं, और रोटेशनल मोशन में पूरे होल बॉडी के मोशंस को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, उसके मोशंस को पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड ऑक्सीलरेटरी मोशन, ऑक्सीलरेटरी मोशन के अंदर हम लोग किसको पढ़ते हैं कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, टू एंड फ्रो का जो जहां पर मोशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीलरेटरी मोशन। तो ये बातें आपको समझ में आएगी नहीं, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो बता सकता है, यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताए, नहीं तो अगला हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे मोशन का, वो किसके बेसिस पर होगा, तो बताए थे कोऑर्डिनेट के बेसिस पर, किसके, कोऑर्डिनेट के बेसिस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन क्या मोशन, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा कौन सा, वो आपका कहलाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको डिटेल और थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करना होगा, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल हमको इसको क्या करेंगे, कल हम यहां से दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। अब तक की जितने भी चीजें पढ़ाए हैं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, तब रहने देते हैं।